पर सोगन इस शहीदों की जगह की जो अभी नहीं बनी है और ये समाधि की इंडिया गेट की, मैं दावे से कहता हूं नवजोत सिंह सिद्धू तू बाज आ जा। जय हिंद। मैं आप तमाम लोगों को स्वागत करता हूं। एमएस विट्टा भी हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट के कर्नल डीएस सेमवाल है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश चौधरी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। बोलिए अपनी बात रखिए, बोलिए। अरे रुकिए, देखिए आप डिबेट कैसा नहीं है। बिट्टा साहब बोलिए, बिट्टा साहब बोलिए आप, बिट्टा साहब एक सेकेंड, बिट्टा साहब आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। देखो कांग्रेस को मैं भी रोड डिबेट देखता हूँ, ऐसे ही बकवास करते रहते हैं टीवी पे। एक सेकेंड बिट्टा साहब बोलिए, मैं मोदी का नाम लेकर सुखाई साहब मैं आपको माइक दे दूंगा। बिट्टा साहब बोलिए, एक सेकेंड बिट्टा साहब बोलिए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, देखिए भावना का ज्वार है बिट्टा साहब इस समय देश में। मैं देखो बचपन का कांग्रेसी हूँ, जवाहरलाल नेहरू के टाइम का, जब हम कांग्रेसी थे उस वक्त प्रभात फेरियां निकलती थी और कहा जाता था वंदे मातरम भारत माता की जय। अपने असूलों को नहीं छोड़ा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मेरे लिए ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी पार्टी है, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र हैं और देश की जनता है। एक मिनट बोलना ना, बीच मेरी बात सुनो। एक पुराना गाना था, मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था, कहनी है एक बात यही, कवि प्रदीप जी का था, आजादी के वक्ता, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गिरदारों। मैं एक बात स्पष्ट कहूं, ये नवजोत सिंह सिद्धू ये आज इमरान खान की बातें करता है, बाजवा की बातें करता है, एक बात मैं आज कह दूं आपको, इसको पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। कभी किसी के बारे में मैंने नहीं बोला। बड़े लोगों ने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, बीजेपी वालों ने कहा, सब लोगों ने कहा तू पाकिस्तान, मैंने नहीं कहा। पर सोगन इस शहीदों की जगह की जो अभी नहीं बनी है और ये समाधि की इंडिया गेट की, मैं दावे से कहता हूं नवजोत सिंह सिद्धू तू बाज आ जा। इस देश का एक मिनट इस देश का अपमान, उन शहीदों का अपमान, उस खून का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। मैं आज तुम्हें बता दूं और दूसरी बात कहूं, हम अभी एक व्यक्ति थे बड़ा गुस्सा खा रहे थे, हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग लड़ रहे हैं और जर्नैल किस तरीके से इकट्ठे, आप किस तरीके से इकट्ठे हैं, प्रथम राष्ट्र है। इतना बड़ा हमला हमने पाकिस्तान के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के उस टंक में घुस करके हमारे 45 शहीद हुए, हमने 500 मारे हमारे जवानों ने, 500। और दूसरी बात सुनिए जी, जी लोग दो मिनट में, अगर मोदी जी की बात करूंगा, मैं मोदी जी का आदमी हूं, अरे प्रथम राष्ट्र है, इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी जी हो या कोई और हो, नरेंद्र मोदी देवी गौड़ा नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर था, जो सरकार हो, नरेंद्र मोदी है और बीजेपी का नहीं है, वो बीजेपी का नहीं है। सुनिए मेरी रोकिए, मेरी रोकिए बात, और सुनिए एक मिनट, देश बचेगा तो हम बचेंगे। आज मेरे पास एक फोटोग्राफ आया, लाशों के ढेर हैं उन जिन्होंने हमारे जवानों के खून के साथ खिलवाड़ किया। अरे इतना बड़ा बदला लिया और हमारी चमड़ी अभी भी मोटी है, हमें एहसास ही नहीं, इतना बड़ा हमला, अरे इतना बड़ा बदला लिया, 26/11 का हमला, पार्लियामेंट का बदला, पठानकोट का बदला, दीनानगर का बदला, जयपुर के अंदर 120 लोगों को मारे जाना, हमारे लोगों का इतना बड़ा बदला लेके अभी भी हम किसी का नाम लेने से डरते हैं क्या? क्या सुनिए, क्या नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ है क्या? क्या नरेंद्र मोदी क्या मुशर्रफ है क्या? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बोला, एक सेकेंड। देखिए इस समय आप लोगों के पास आ रहा हूँ अपनी बात रखेगा।
सवाल रखिएगा, एक सेकंड, सवाल है कि इस सीख से चाइना को भी सीख मिलेगा कि हम कमजोर नहीं है, चाइना भी सतर्क हो जाए, हमारा सेनापति जग रहा है, चौकीदार जग रहा है, चाइना तुम भी तैयार रहो, हम तुमको भी जवाब देंगे, जिस दिन गंदी निगाहों से देखोगे चाइना, तुम याद रखो हमारा सेनापति ठीक तैयार है, आप पूछ रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ सिद्धू महेंद्र सिंह कैप्टन और प्रकाश सिंह बादल सुखबीर सिंह बादल इस सबको जेल में डालो, चलो पंजाब का देश आराम कर दिया, पंजाब और जम्मू का और महबूब मुफ्ती उनमें भी जेल में डालो, सबको जेल में डालो, दिल्ली पुलिस केजरीवाल या कांग्रेस के अंडर नहीं है, मोदी जी के अंडर है, बिट्टा तालियां मत बजवाइए यहाँ पर, आलोक भैया शांत, बिट्टा साहब, मेरी बात सुनिए, ये जितनी भी जनता है ना ये कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, ये राष्ट्र की अमानत है, जितना दर्द उन शहीद परिवारों को उतना ही, ठीक है ना, हम यहाँ एक मिनट, हम एक भी शब्द मैं या आप या कोई निकालेगा, ये जनता यहाँ पकड़ लेगी, इनमें इतनी ताकत है, इनको समझे, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनिए, मैं बार बार उसी बात पे खड़ा हूँ, मेरा इतना अनुभव टेररिज्म के ऊपर, शरीर गवाया, दोस्त गवाए, जवान शहीद हुए, मुझे एक चीज बताइए, हम वहाँ पे क्यों भटक जाते हैं? अरे फिर कहूं, पाकिस्तान मेरी जिंदगी में पहला चांस, पाकिस्तान में घुस करके वीडियो वायरल हुई, सब जगह पे आई, अरे 45 का बदला 500, 18 का बदला 45, और अपना एक मिनट, अपना पायलट दो दिन के बाद वापस आ जाए, क्या मैं इमरान खान की, नवाज शरीफ की, मुशर्रफ की तारीफ करूं? और उसकी तारीफ करने से क्यों घबराते हैं, मुझे इतना तो बता दो,